हाय संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। गुजराती स्पेशल नाश्ते की रेसिपी बना रहा हूँ। वर्ल्ड फेमस थेपला, मेथी का थेपला बन रहा है आज। अब थेपला ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में तो हम खाते ही हैं, साथ में सफ़र के लिए भी थेपला काफ़ी बनता है। जब भी ट्रैवल करते हैं बहुत सारे थेपले साथ में ले जाते हैं। तो आज आपको घर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए एकदम सॉफ्ट, एकदम पतले पतले, टेस्टी वाले, डिलिशियस वाले थेपले कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। साथ ही मैं आपको टिप्स दूंगा कि अगर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है और सफ़र के लिए थेपले आपको लेके जाने, तो उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ती है, कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने, उसको पकाना कैसे, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो एकदम परफेक्ट पतले पतले डिलिशियस वाले मेथी के थेपले बनते कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बंच फ्रेश मेथी ले ली है, सीजन में इसलिए बहुत अच्छी मिली है मेथी। अब आपको मेथी को जो है वो साफ कर लेना है, मेथी के पत्तों को डंडी से अलग करना है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से पत्ते मैंने निकाल लिए डंडी से, डंडी अलग कर दिए, पत्ते अलग कर दिए, पत्ते हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी मेथी को अच्छे से साफ कर लिया है। इस मेथी को अभी आपको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है। मेथी मैंने अच्छे से धो ली है, मेथी को अभी सुखा लेना है। तो एक किचन टॉवल या नैपकिन ले लीजिए, उसके ऊपर मेथी को फैला लेना है और फिर टिश्यू पेपर लेकर या दूसरा एक कपड़ा लेकर ऐसे टैप करना है ऊपर से, अच्छे से आपको मेथी को पोंछ लेना है ताकि मेथी के ऊपर जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। एक बार आपने इस तरीके से पानी निकाल लिया है तो अब मेथी को हमें चॉप कर लेना है। तो मेथी को चॉपिंग बोर्ड पर रखकर चाकू की मदद से कट कीजिए, एकदम पतला पतला, जितना कट कर सकते हैं उतना पतला कट कीजिए, बारीक बारीक इसे आपको चॉप कर लेना है। आप देख सकते हो सारी मेथी को मैंने किस तरीके से चॉप कर लिया है, ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड्स में मेथी को आपको चॉप कर लेना है। अब मेथी को आपको मेजर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक कप मेजर ले लिया है, मेथी को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर 1.5 कप मेथी लगभग हमने ली है। तो मेथी की जो क्वांटिटी है ना, वो आटे से हमको बराबर लेनी है, यानी कि 1.5 कप मेथी हमें मिल गई तो 1.5 कप गेहूं का आटा हम यूज़ करेंगे। ये लगभग 70-80 ग्राम्स मेथी हमको साफ करने के बाद मिली है। तो घर पे जब भी आप थेपले बना रहे हो तो सिंपल फंडा है, मेथी का बंच आप घर पे लेके आए, उसको साफ कर लिया, पत्तों को धो लिया, अच्छे से सुखाकर काट लिया, उसके बाद एक कटोरी में ऐसे थोड़ा सा दबाकर उसको माप लीजिए और उतना ही गेहूं का आटा ले लीजिए, आपका जो आटा एकदम परफेक्ट बनेगा थेपले के लिए। अब कोई लोग जो हैं वो मेथी कम डालते हैं थेपले के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 कप मेथी और 1.5 कप आटा ले लीजिए, उससे कम मेथी मत डालिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा थेपला खाने में। तो ये मैंने आपको रेशियो बता दिया। अब इस थेपले के लिए एकदम परफेक्ट मुलायम सॉफ्ट थेपले के लिए आटा कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो मेथी को तो बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, अब इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा डाल रहा हूँ। तो जो कप से मेथी को मेजर किया था उसी कप से गेहूं के आटे को भी मेजर करके ऐड कर दिया है। साथ ही में 2 टेबलस्पून बेसन, इससे सॉफ्टनेस आती है थेपले में, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अदरक और मिर्च की पेस्ट ली है वो ऐड कर दीजिए, 2 टेबलस्पून तेल और 1/4 कप दही इसमें ऐड करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को कंबाइन करना है, अच्छे से मसल लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि इसमें पानी कितना ऐड करना है और गूंदने के लिए, क्योंकि दही हमारा पतला हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, तो उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी बाद में एडजस्ट करेंगे। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तब इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंदना है और एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत भी नरम डो यहाँ पर हमें नहीं लगाना है। तो धीरे धीरे मैं 1-1 चम्मच भर का ही इसमें पानी डाल रहा हूँ, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ही यहाँ पर पानी लगता है इस आटे को गूंदने को। तो एकदम ध्यान से पानी डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आटा सारा खराब हो जाएगा, ये चीज़ को नोट कर लीजिए। मैंने लगभग 2 से 3 टेबलस्पून ही यहाँ पर पानी यूज़ किया और आप देख सकते हो आटे को थोड़ा गूंद भी लिया अच्छे से। इस तरीके से आटा आपका एक साथ आ जाना चाहिए। एक बार आटा इस तरीके से एक साथ आ जाए, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है डो का, थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट डो है। इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाइए और एक डैम्प कपड़े से इसे ढक दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ दीजिए। तो थेपले का जो डो है हमने तैयार कर लिया है और उसे रेस्ट होने रख दिया है। अब डो लगाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पहले तो आपको इसमें पानी बहुत धीरे धीरे से डालना है। आपने देखा 2-3 चम्मच खाली पानी लगा हमें आटा गूंदने के लिए। पानी अगर एक टाइम आपने डाल दिया ना तो आटा ढीला पड़ जाएगा और फिर थेपले आप बेल नहीं पाओगे, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। बाय चांस आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो आटा फिर भी बचा सकते हो, थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कर दीजिए और कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट कर लीजिए, तो आटा आपका बच जाएगा। तो ये तो हो गया कि मॉइस्चर लेवल कितना होना चाहिए आटे के अंदर।
दूसरी बात यह है कि अगर यही थेपले का आटा अगर आप बना रहे हो सफ़र वाले थेपले के लिए, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना है, इसकी शेल्फ लाइफ अगर बढ़ानी है तो शेल्फ लाइफ कैसे बढ़े? सबसे पहले तो दही आप इसमें नहीं डालोगे, दही कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है, दही नहीं डालना है। दही ऐड करने का कारण ये होता है कि वो सॉफ्टनेस ऐड होती है थेपले के अंदर, पर जब ये आप ट्रैवलिंग के लिए लेके जाते हो थेपले तो उसमें दही नहीं पड़ता, तो दही निकाल दीजिए। दूसरा फ़र्क ये पड़ जाएगा, मेथी थोड़ी सी कम डालिए। जैसे हमने डेढ़ कप लिया, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि एक कप मेथी खाली यूज़ कीजिए, मेथी हल्की सी कम डालिए तो मॉइस्चर लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, मेथी को थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं, थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, पका लेते हैं बस ऐसे ही बर्तन के अंदर कि उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर निकल जाए, और फिर ऐड करते हैं आटे के अंदर, तो उससे भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब हम इसे पकाएंगे तो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लेके जा रहे हो ना ये थेपले, तो तेल ज़्यादा यूज़ करोगे, तेल अच्छे से कोट हो जाना चाहिए थेपले के ऊपर, तो होता क्या है शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। तो अच्छे से पैक करके लेके जाना, एक बार ये सब चीज़ें कर ली तो अच्छे से पैक कर लेना एक सील पैक में, या आजकल ना मार्केट में कई लोग वैक्यूम पैकिंग करके देते, तो उनके पास ले जाइए थेपले, वो एक आपको पन्नी के अंदर वैक्यूम पैक करके दे देंगे थेपले, और फिर इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाएगी। फ्रिज के अंदर तो हफ्ते भर तो आराम से टिक जाते हैं। अगर ऐसे ही आप ट्रैवल कर रहे हो 2-3 दिन तक, अगर आपने अच्छे से इसे बनाया है, कई बारी 4-5 दिन तक भी रह जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन तक आप इसे खा लीजिए, और अगर ज़रा सी भी उसके ऊपर आपको दिखता है कि कुछ फॉर्म हो रहा है तो फिर नहीं आप इसे खाइएगा। अब हमारा आटा तो रेस्ट हो चुका है, आटा रेस्ट होने के बाद इसको बेलना कैसे और पकाना कैसे एकदम परफेक्ट तरीके से वो देख लेते हैं। आटा आप देख सकते हो थोड़ा सा और ढल चुका है, इसकी अभी लोइयां में कट कर ली, यानी कि डो बॉल्स बना लेने। तो लगभग 40-45 ग्राम्स के यहाँ पर मैं डो बॉल्स तैयार कर रहा हूँ, तो आपको इस तरीके से सारे आटे को ऐसे डो बॉल्स में डिवाइड कर लेना है। लगभग 11 से 12 बड़े साइज के थेपले बन जाएंगे इस आटे से। इन डो बॉल्स को जब तक आप बेल रहे हो एक डैम्प कपड़े से ढककर रखना है कि आटा ड्राई नहीं हो जाए। एक बार आपने सारे डो बॉल्स डिवाइड कर लिए हैं तो तवे को गर्म होने रख देना है थेपले बेलने से पहले, क्योंकि आपका जो तवा है ना एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो ही थेपले सॉफ्ट बनते हैं, नहीं तो थेपले हार्ड हो जाते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। एक बार तवा गर्म हो जाए तो थेपलों को बेलना कैसे वो देख लेते हैं। थेपले का डो बॉल ले लीजिए, इसके ऊपर अच्छे से सूखा आटा लगा दीजिए। अब आपको चकला यूज़ करके या साफ प्लेटफॉर्म के ऊपर बेलन इस्तेमाल करके इसे अच्छे से बेलना है। जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो पहले 1-2 थेपले बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप सही से थेपले बना पाएंगे। बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से एकदम पतला सा थेपला यहाँ पर बेल कर तैयार कर लिया। तो थेपला जब भी बेलते हैं ना, जो गुजराती स्टाइल थेपला होता है वो एकदम पतला होता है, तो इस तरीके से आपको पतले तरीके से बेलना है। अब मेरे घर पे तो हम क्योंकि पंजाबी हैं तो हमारे घर पे मोटे वाले थेपले बनते हैं, हम उसका थेपले का पराठा बना देते हैं एक्चुअली। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो पहले थोड़े मोटे बनाओगे तो हमारे घर जैसे थेपले बन जाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे इनफैक्ट थोड़े से मोटे वाले थेपले पसंद आते हैं क्योंकि बचपन से वही खाएं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मोटे भी बेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पतले बेलोगे एकदम परफेक्ट तरीके से तो वो गुजराती स्टाइल थेपले आपके बनेंगे। अब थेपला मैंने जैसे एक बेल लिया ना यहाँ पर, और तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो आप इसे अभी पका सकते हो। होता क्या है, थेपले जो हैं वो एकदम फटाफट पक जाते हैं क्योंकि एकदम पतला इसे बेला जाता है, तो वक्त ज़्यादा नहीं लगता है। तो आपने एक थेपला बनाया, कुछ ही सेकेंड्स में ये पक जाता है, फिर आप दूसरा जब तक बेलोगे तो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पहले ही 4-5 थेपले एक साथ आपने बेल लिए और फिर फटाफट पकाए और सर्व करते गए, तो गरम गरम थेपले आप खा सकते हो। तो ये एक तरीका है, आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप 1-by-1 भी कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है तो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक साथ भी अगर बेल कर रखना है तो इसको रखना कैसे बेल कर और पकाना कैसे, तो वो देख लेता हूँ। तो आपको करना क्या है, एक थेपला आपने बेल लिया, उसके बाद एक कपड़ा ले लीजिए और कपड़े में इस तरीके से थेपले को रखिए और ऊपर से कपड़ा बंद कर दीजिए। सेम तरीके से बाकी जितने थेपले आपको बेलने उन्हें बेल लीजिए और इसी कपड़े के अंदर इस तरीके से आपको रखते जाना। एक बार आपने जितने थेपले बेलने उतने बेल लिए, उसके बाद इन्हें पकाना है। तो आपका तवा जो है, फिर से बोल रहा हूँ, एकदम गर्म होना चाहिए। गरम गरम तवे के ऊपर एक थेपला निकाल कर डाल दीजिए। अब आपको 1-2 बार बस पलटी करके इसको एकदम ब्रीफली पकाना है कुछ ही सेकेंड्स के लिए। आप देखेंगे हल्का हल्का थेपले का कलर जो है वो चेंज होगा, इतना बस ये पक जाए ब्रीफली। उसके बाद इसके ऊपर मूंगफली का तेल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलटी कर दीजिए, सेम तरीके से दोनों तरफ से तेल लगाकर आपको इसे एकदम क्विकली मीडियम हाई या हाई फ्लेम पर ही पका लेना है। तो बस ब्रीफली आपने इसे पकाया, हमारा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थेपला बनकर रेडी हो गया।
तो आपने देखा थेपला कितना फटाफट पक जाता है, कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं, इसलिए आप 4-5 थेपले एक साथ बना लोगे तो आसानी हो जाएगी। अब आपके थेपले कड़क क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका तवा जो है ना उतना गर्म नहीं होता है, तो वक्त ज़्यादा लगता है थेपले को पकने में, तो मॉइस्चर इवेपरेट हो जाता है, या आप थेपले को ज़्यादा पका देते हैं तब भी थेपले जो है एकदम हार्ड हो जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं देना है, एकदम क्विकली पकाना है। ये फंडा है, ये तरीका, ये ट्रिक है कि आप इसे इस तरीके से पकाएंगे तो एकदम सॉफ्ट थेपले बनेंगे। तो थेपला एक आपने बना लिया, उसके बाद हल्का सा इसको पोंछना है, क्योंकि तेल लगा होता है ना, तो हल्का सा कपड़े से पोंछिए, दूसरा थेपला डालिए, सेम प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। अगर दो थेपले बनने में बीच में समय लग रहा है तो फ्लेम को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ताकि आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, नहीं तो थेपला जब आप डालोगे तो पहले ही जल जाएगा। तो ये बस बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जो पहली बार बना रहे हैं उनको आसानी हो जाए, बाकी जो लोग तो रेगुलरली घर पे खाना बनाते हैं उनके लिए सारी जो टिप्स हैं वो तो काफ़ी बेसिक है। तो ये तो हो गए कि थेपला बनाना कैसे है, इसको प्लेट तो करने वाले हैं, उसके पहले आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर पे जब भी थेपला बनता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जब भी आटा लगा रहे हैं ना, तो उसमें कभी मूली किसके डाल देते हैं, या कभी कभी दूध ही किसके इसमें डाल देते हैं, लौकी किसके डाल देते हैं, या पिछले दिन की दाल पड़ी होती है ना, तो दाल भी कभी कभी थोड़ी सी इसमें डालकर गूंद लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। वो जो घी बनाते हैं तो जो मिल्क सॉलिड्स बच जाते हैं ना, वो भी कभी कभी डालते हैं, उससे बहुत अलग टेक्सचर आता है थेपले में। वैसे कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं और ब्रेकफास्ट में वो थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर, अलग सा थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है। तो ये टिप दे रहा हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो कि सेम आपको रेसिपी फॉलो नहीं करनी है। तो थेपले अभी हमारे तैयार हो गए हैं, मस्त वाइट मक्खन लगा निकाल के रखा है, दही है और छुंदा है, खट्टा मीठा अचार है, ये सारी चीज़ों के साथ थेपले को प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। थेपला खाकर मज़ा आ गया, और वो जो वाइट मक्खन और छुंदे का कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे लिए एकदम परफेक्टली वर्क करता है। कभी कभी खट्टा मीठा अचार खा लो, वो एक आथेला मर्चा होती है जो एक येलो टर्मरिक वाली और मस्टर्ड सीड्स वाली मिर्ची होती है, वो अचार टाइप होता है, उसके साथ भी थेपला खाने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे भी आपको खाना है थेपले को एंजॉय कीजिए इस तरीके से बनाकर। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।